दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को लेकर जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कोई पानी की क्वालिटी चेक नहीं की और दिल्ली का पानी मानकों के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस का या बीजेपी का दूसरे पार्टी का समर्थक है तो उसको स्वच्छ पानी मतलब उसके लिए गंदा पानी है और तुम्हारे लिए क्या कहते हैं कि स्वच्छ पानी है, और उनको जब कुछ नहीं मिला तो सिर्फ क्या कहते हैं एक आदमी का नाम लेकर के उन्होंने जो है तो कहा कि शायद क्या कहते हैं कि वो जो है कौन नाम था उसका, कौन राय राय था क्या है, दीपक राय, एक दीपक राय का नाम दिया कि दीपक राय से जाकर के जो है ट्वीट करके कि दीपक राय से क्या कहते हैं कि जो है सो गए और दीपक राय ने कहा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ से पानी नहीं दिया गया है, ये गलत है। फिर हमने क्या कहते हमने कहा कि हम तो जांच किए नहीं है, ये सारा का सारा जो ये देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है वो है क्या कहते हैं कि हमारा BIS है। BIS जो स्टैंडर्ड तय किया है अभी तक कितना किया है स्टैंडर्ड तय किया है, कितने स्टैंडर्ड मानक जो है बनाए हैं 25,000 तो 25,000 से सारे मानक देश में चल रहे हैं BIS का। इनका जल बोर्ड ने क्या वो मानक बनाया है ना, अब उसके बाद जो है उसके ऊपर में क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं कि चैलेंज करना शुरू कर दिया।